हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हमारा पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोगों ने देखा था, आज हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का फंक्शन कैसे करता है और यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो नेफ्रॉन कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा था, तो एक बार फिर से उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेज में हम लोग देखा था नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने दिखाया था कि इसमें एक नेफ्रॉन जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इस ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब का जो स्टार्टिंग एंड है वो एंड कप सेपरेट होता है, जो डबल वॉल्ड होता है, पोरस होता है, सेमी परमिएबल होता है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर एफरेंट आर्टेरियल्स की जो बहुत सारे बंच के रूप में कैपिलरी स्थित होती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को कलेक्टिवली मालपिगियन बॉडी कहते हैं, ठीक है। और यह ट्यूबल फिर आगे की ओर इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में दो कन्वोलेटेड पोर्शन होते हैं, तो जहाँ पर कि यह ट्यूबल जो है वो कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। तो फर्स्ट जो है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल कहते हैं, सेकंड को लास्ट एंड को कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल, और एक और लूप होता है जो नीचे की ओर होता है, यहाँ इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये मेंशन नहीं किया था, इस लूप ऑफ हेनले में जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो पोर्शन अपर साइड में जा रहा है उसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर यह लूप जो है आगे की ओर जहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है उस जगह पर फिर कन्वोलेटेड हो जाता है, उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, और यह कन्वोलेटेड ट्यूबुल फिर ब्लड के फिल्ट्रेट को लेकर ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और वहां से फिर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि यह जो है फंक्शन कैसे करता है, अर्थात ये जो नेफ्रॉन है ये यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो ब्लड के फिल्ट्रेशन, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो थ्री स्टेप में कम्प्लीट होता है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे कि यह कैसे काम करता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, यह ब्लड क्लीनिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप है। यह ग्लोमेरुलस में होता है, और एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर ज्यादा होने के कारण अधिक मात्रा में ब्लड लेकर यह आती है, जिसके कारण ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पर दबाव बढ़ जाता है, जिस कारण हाई प्रेशर पर फिल्ट्रेशन का काम होता है, अतः इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। एफरेंट आर्टेरियल द्वारा जो ब्लड लाया जाता है उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, प्रोटीन इत्यादि उपस्थित होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत से आवश्यक न्यूट्रिएंट जैसे साल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी फिल्टर हो जाते हैं। इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, और वोमन कैप्सूल की वॉल ब्लड सेल्स और प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होती है, अतः ये जो है इसे फिल्टर नहीं हो पाते हैं। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं कि हमने पहले बताया कि ये जो है नेफ्रॉन का स्टार्टिंग एंड जो है वह डबल वॉल्ड होता है, पोरस होता है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। तो यह जो है इस वोमेन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टेरियल जो है वह एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर ज्यादा है, तो यह जो है बहुत सारा ब्लड लेकर इन करती है। और यहाँ ग्लोमेरुलस जो है ये क्या है, एक तरह का ये कैपिलरी नेटवर्क है, वह आगे जाकर पतला हो जाता है, और यह जो ज्यादा मात्रा में ब्लड लेकर आती है तो हाई प्रेशर क्रिएट करती है, किस पर, इस ग्लोमेरुलस पर, इस कैपिलरी नेटवर्क पर, जिसके कारण कि हाई प्रेशर में फिल्ट्रेशन का काम होता है।
और जब हाई फिल्ट्रेशन में काम होता है तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है जो अपने साथ ऑक्सीजनेटेड के साथ बहुत सारे मतलब ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी प्यूरिटीज और इम्प्यूरिटीज लेकर के आती है, तो इस ब्लड में यह जो एफरेंट आर्टेरियोल हर्ट से जो ब्लड लेकर आती है किडनी में, उस ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो उस ब्लड में प्रेजेंट होता है यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, प्रोटीन, ये सब चीज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो ये जो है सेमी परमिएबल है वोमेन कैप्सूल की वाल, तो यहाँ से जब ये ब्लड फिल्टर होता है तो जो बड़े पार्टिकल हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, जो फाइन टिनी पार्टिकल्स हैं तो उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो बहुत माइन्यूट सॉल्यूट हैं, जो बहुत नेसेसरी पार्टिकल हैं हमारे ब्लड के लिए, जो बहुत नेसेसरी न्यूट्रिएंट हैं, बहुत नेसेसरी सॉल्यूट जो है वह भी इसके साथ फिल्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर और जो फिल्टर नहीं हो पाता है, जैसे प्रोटीन हुआ और ब्लड सेल्स, इसका साइज बड़ा होता है, ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो ये फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स के लिए ये वोमेन कैप्सूल की वाल जो है इम्परमिएबल होते हैं, वो उस वाल से होकर नहीं गुजर पाते हैं। तो यहाँ पर वो जो है इसी ब्लड में रह जाते हैं और एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू आगे की ओर बढ़ते हैं। और यह जो फिल्ट्रेशन का काम हुआ, तो ये जो फिल्टर हुआ जो एफरेंट आर्टेरियल के द्वारा जो ब्लड लाया गया और वह ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्टर किया गया, तो उस फिल्टर को और वह वोमेन कैप्सूल से होते हुए ट्यूब में चला जाता है। तो वह फिल्टर जो हुआ, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो प्राप्त हुआ, छनने के बाद जो ब्लड का फॉर्म प्राप्त हुआ, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। और उस फिल्ट्रेट को चूंकि ग्लोमेरुलस से होता है इसलिए उस फिल्ट्रेट को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उस प्रोसेस को कहते हैं और उस फिल्ट्रेट को कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ, जो यहाँ से हमने तीर ये एरो का निशान दिखाया है, इसका मतलब यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है वो आगे की ओर इस ट्यूब में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट प्राप्त होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो छोटे छनने के बाद भी जो नेसेसरी पार्टिकल हैं वो भी छन जाते हैं, वो भी उनका भी फिल्ट्रेशन हो जाता है, वो भी फिल्ट्रेट में शामिल हो जाते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन में या इस फिल्ट्रेट में ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ, उसमें जो जरूरी पार्ट हैं वो क्या क्या भी आ जाते हैं, उसमें जो फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ उसमें आ जाता है आपको एमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत अधिक मात्रा में वाटर। तो ये जो है एमाइनो एसिड हुआ या और भी उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, ये सब भी आ जाते हैं इस फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं, वो भी फिल्टर हो जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो इस तरह से ये तो फिल्ट्रेशन का काम हुआ, और चूंकि हाई प्रेशर पर होता है इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब सेकेंड जो है वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने पहले देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता था, जो जरूरी सॉल्यूट है, जो जरूरी न्यूट्रिएंट है, वो भी फिल्टर हो जाता है और फिल्ट्रेट के साथ इस ट्यूबुल में चला आता है। और एक चीज और हम यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। यह इफरेंट आर्टेरियोल जो है इसका डायमीटर एफरेंट के अपेक्षा कम होता है, क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन के बाद जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो जाते हैं। क्वालिटी मतलब बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे पार्टिकल जो है वो फिल्टर हो जाते हैं, तो क्वांटिटी भी कम हो जाता है, क्वालिटी भी। तो यहाँ इसलिए इसका डायमीटर स्वतः जो है वो एफरेंट की अपेक्षा कम है। और यह जो इफरेंट आर्टेरियल है जो कि डिवाइड होकर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी बनाता है, और यह कैपिलरी नेटवर्क जो है यह ट्यूबुल्स के सारे पोर्शन पे जगह जगह हर जगह उसके कॉन्टेक्ट में रहता है, उसके आसपास लिपटा हुआ रहता है, ताकि ट्यूबुल्स का कोई भी पार्ट जो है वो इस कैपिलरी से अछूता ना रहे। यह कैपिलरी जो है ट्यूबुल के हर एक पार्ट के पास से होकर गुजरती है, क्योंकि फिर से बहुत सारे जो आवश्यक न्यूट्रिएंट सॉल्यूट जो इस फिल्ट्रेट के साथ आगे बढ़ गए हैं, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, उसमें रीएब्जॉर्ब होता है जो भी जरूरी पदार्थ है, जरूरी न्यूट्रिएंट है, वो फिर इस ट्यूबुल से रीएब्जॉर्ब करके इस ब्लड कैपिलरी को भेज दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में कि जो नीडी सॉल्यूट
फिल्ट्रेट के साथ ट्यूबुल्स में आ गए थे, जो नीडी सॉल्यूट फिल्ट्रेट के साथ इस ट्यूबुल में आ गए थे उनको नेफ्रॉन टिश्यू द्वारा रीएब्जॉर्ब कर सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी को भेज दिया जाता है। इस नेफ्रॉन के अंदर जो टिश्यूज हैं उसको उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो भी जरूरी हमारे न्यूट्रिएंट हैं, और इस ब्लड कैपिलरी को फिर इस ट्यूबुल्स के द्वारा रीऑब्जॉर्ब करके इस कैपिलरी को भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन, इस डिफ्यूजन प्रोसेस में या इस रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बट बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड है, साल्ट है, NaCl है, ये सब जो है वो एक्टिवली उनका एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। इस ट्यूबुल्स को वाटर तो स्वतः जो स्वतः एब्जॉर्ब जाता है उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं, पर जिसको एब्जॉर्ब करने में एनर्जी की आवश्यकता होती है, सेल को ATP खर्च करना पड़ता है, उसको कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल स्वतः रीएब्जॉर्ब जाते हैं, बट और भी जो भी सॉल्यूट हैं और भी जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए सेल को ATP खर्च करनी पड़ती है, वो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। अब है कि इस रीएब्जॉर्प्शन का 70-80% रीएब्जॉर्प्शन का काम जो है इस PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो कि रीएब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो जो भी फिल्ट्रेट यहाँ से फिल्टर आउट होता है वह इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल PCT में इसका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन का काम यहाँ हो जाता है, और ये रीएब्जॉर्ब के ये सभी सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी है, जो भी ट्यूबुल्स है उसके आसपास ब्लड कैपिलरी घिरे हुए हैं, तो सभी अपने 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 नज़दीक वाले ब्लड कैपिलरी में उसको भेज दिया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो यहाँ से इस पोर्शन पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और रीएब्जॉर्प्शन करके जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है, आवश्यक सॉल्यूट है, वो इसका ब्लड कैपिलरी को भेज दिया जाता है। और जो बड़े पार्टिकल है जो कि फिल्टर नहीं हो पाते हैं वो तो इसमें रहते ही हैं। आगे है कि अब ब्लड कैपिलरी को जितनी आवश्यकता होती है, यहाँ से भेज तो दिया जाता है, प्लस ब्लड कैपिलरी को हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट की, जितने सॉल्यूट की आवश्यकता होती है वह उतना ही लेता है, रेस्ट को इस ट्यूबुल से होकर आगे गुजरने देता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे ड्रग्स या दवा विटामिन कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी को जितना आवश्यकता होता है उतना लेता है, रेस्ट जो है हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो वही बात है, यहाँ भी जितने भी हम हमारे इस फिल्ट्रेट के साथ जो भी जरूरी आवश्यक पदार्थ यहाँ से पास आउट हो रहे हैं तो उसमें से जो जरूरी है वह तो रीएब्जॉर्ब करके इस ब्लड कैपिलरी को दिया जाता है, प्लस ब्लड कैपिलरी उतना ही लेती है जितने जितने की उसको आवश्यकता होती है। अब यह फिल्ट्रेट जो है यहाँ से आगे की ओर इस लूप और हेनले से पास होता है, यह लूप ऑफ हेनले में आता है, यहाँ से गुजरता है। लूप ऑफ हेनले में हमेशा वाटर और NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ लूप ऑफ हेनले से जब आगे गुजरती है, ये फिल्ट्रेट आगे गुजरता है, तो यहाँ पर वाटर और NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर अब इस यह फिल्ट्रेट जो फिर रेस्ट बचा हुआ फिल्ट्रेट आगे की ओर बढ़ता है और यहाँ पर DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास जब आता है तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास भी वाटर और NaCl का रीएब्जॉर्प्शन फिर से होता है, और इस तरह से सभी अपने अपने पास नज़दीक के जो भी ब्लड कैपिलरी है वहाँ पर रीएब्जॉर्ब करके उस ब्लड कैपिलरी में भेज देते हैं, जहाँ से कि वह ब्लड कैपिलरी ब्लड के थ्रू डिफरेंट आर्टेरियल्स के थ्रू हार्ट के पास चला जाता है। तो यहाँ पर भी DCT के पास भी जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर और NaCl का, वह भी रीएब्जॉर्ब करके इस ब्लड कैपिलरी को यहाँ भेज दिया जाता है, जो कि फिर डिफरेंट आर्टेरियल्स के थ्रू हार्ट में चला जाता है।